शहनाज विजय एक्सक्यूज मी, अरे कोई बताएगा कहाँ है शहनाज यार? कमाल है यार, आधे घंटे से बैठा हूँ, ये पहली बार देखा है। पतली भी इतनी होगी ना कि दिखेगी भी नहीं। हेलो, हाय शहनाज, कहाँ हो यार? मैं आधे घंटे से बैठा हूँ। हाँ, मैं आपकी ही वेट कर रही थी। आप एक काम करो, एक अच्छी सी अनाउंसमेंट कर दो ना मेरी, प्लीज। मैं आपकी अनाउंसमेंट करूँ? और क्या, ये कमाल है यार। मैं आई थॉट कि मैं गेस्ट हूँ। ओके एनीवेज, ठीक है, अब मैं कर देता हूँ। हाय गाइस, आई एम राजकुमार राव और मैं आया हूँ देसी वाइब्स विद शहनाज गिल में, क्योंकि मेरी फिल्म आ रही है मोनिका माय डार्लिंग 11 नवंबर से नेटफ्लिक्स पर। प्लीज वेलकम शहनाज गिल। शहनाज, थैंक यू। वाओ, सो स्वीट। अब उतनी देर मत कट करना जितनी देर पत्थर लेकर नहीं आती। बड़े दुगले पतले हो गए। हाँ यार, मतलब भागा दौड़ी, अभी फिल्म आ रही है जिसके बारे हम बात करने आए हैं, तो उसी की भागा दौड़ी में वजन कम ऊपर नीचे होता रहता है। हाय, मेरे ना हाथ ठंडे हो रहे हैं, सच्ची। ठंडे? एसी क्यों कर देंगे? नहीं, आपको देख के। मुझे देख के? सो स्वीट। क्योंकि आप मेरे सच में फेवरेट हो। और मम्मी कसम लगे, मैं हर इंटरव्यू में बोलती हूँ कि राजकुमार राव इज माय फेवरेट। पता नहीं क्यों आपका नाम ही काट देते हैं, जलते हैं मुझसे। हाँ, तो मैंने सोचा मैं अपना शो बना के आपकी इतनी तारीफें करूं, हर एपिसोड कोई भी आए ना आपकी तारीफें जरूर करूंगी। पर मैं आपको बताऊं, आप भी मेरी उतनी फेवरेट हो। मैं आपको तब से फॉलो करूं जब से आप बिग बॉस में आई हो, और आप इतने यूनिक हो, इतने प्यारे हो ना, मतलब हम सब आपको बहुत प्यार करते हैं, पूरा देश बहुत फेवरेट हो आप। हाँ, ये शो भी ना आपसे इसीलिए अनाउंसमेंट कराई है हमने, क्योंकि यूनिक शो है ना, तो इसके बाद कॉपियां करेंगे लोग। करेंगे ही, मतलब शहनाज गिल जो करती है सब कॉपी करते हैं। देसी वाइब्स, ये देसी वाइब्स क्यों है? मतलब ऐसा विदेशी वाइब्स क्यों नहीं? क्योंकि विदेशी भी रख सकते थे, मैं कपड़े मेरे विदेशी है, बट क्या करूं, ये जो टंग है ना, ये टंग जो है वो स्लिप ऑफ टंग हो जाती है, तो मेरे कितनी वर्कशॉप कर लो कितनी, ये पंजाबी निकलती है इसमें। तो इसलिए सोचा देसी वाइब्स ही ठीक है, तेरे पे सूट करता है, मैं पंजाबन हूं ना। करेक्ट, जैसे आपको ना वैसे ही रहना चाहिए। करेक्ट, एकदम देसी वाइब्स विद शहनाज गिल। भगवान करे आपका ये शो इतना चले, क्योंकि मुझे पता है बहुत मजा आने वाला है। हाँ, आपको देखने के लिए लोग पागल हैं शहनाज। मैं आपको देखने के लिए पागल थी। पहले मैं आपसे सच्ची वाली बातें कर लेती हूँ। मैं यूनिवर्स पे बहुत बिलीव करती हूँ। हाँ, तो मैं हमेशा अपनी कॉपी पे तीन लोगों के नाम लिखती थी, और वो दो लोग मेरे को मिल चुके, तीसरे आप थे, और तीसरा भी मेरे को मिल गया, मेरे सामने बैठा है। हाँ, तो आप मुझे ये बताओ कि आपको मेरे शो में आए हो, चाय पानी कुछ? नहीं, चाय पानी मैं तब से, मैं एक्चुअली वेट ही कर रहा था, पानी पी चुका हूँ बहुत सारा। चाय लोग बोल रहे थे कि अभी फर्स्ट है तो बजट थोड़ा इतना है नहीं। एक्चुअली हाँ, हमने लंच ब्रेक के बाद भी इसीलिए रखा है कि आप खा पी के आओ। नहीं, मैं खा पी के आया हूँ। थैंक यू सो मच। नहीं, चाय इट्स ओके, चलेगा। तो मुझे आप अपनी ना फिल्म के बारे में बताओ, मैंने आपका ट्रेलर देखा। तो ट्रेलर जो है, जो मोनिका माय डार्लिंग का आ रहा है, उसमें हमने ना बहुत बार क्या होता है, ट्रेलर जब आता है तो सब दिखा देते हैं आजकल। सब लोग यही शिकायत करते हैं कि यार ट्रेलर में पूरी फिल्म दिखा दी आपने, अब मैं फिल्म क्या देखूं। लेकिन हमारे जो डायरेक्टर हैं वासन बाला, बहुत कमाल के डायरेक्टर हैं, उन्होंने यही कोशिश की कि ट्रेलर अच्छा बने लेकिन लोगों को कुछ समझ ना आए, एक दुनिया दिख जाए कि इस दुनिया में ये लोग हैं, लेकिन हो क्या रहा है फिल्म में वो समझ ना आए, जिसके लिए लोग फिल्म देखें। जो कहते हैं कि अच्छे ट्रेलर की निशानी होती है। तो उसमें एक डायलॉग था जहाँ पे मेरा जो एक को एक्टर है, बक्स नाम है उनका, वो बोलते हैं कि यार हम एक बॉडी को ऐसा ठिकाने लगा रहे हैं, तो बोलते हैं कि इसको ना पानी में डाल देते हैं क्योंकि थक गए हैं दोनों बहुत ऐसे उठा उठा के, तो बोलते हैं पानी में डाल देते हैं। तो वो बोलता है कि अरे पानी में डालने से पहले ना इसे छेद करना पड़ता है, वरना बॉडी जो है पानी पे फ्लोट होती है। तो वो उसे देखता है कि अरे तुझे इतना पता है, तो बोलता है अरे फिजिक्स है ये, कोई सीरियल किलर नहीं हूँ मैं। क्योंकि तो बचपन से हम देख रहे हैं ना ऐसे बड़े बड़े जब सीरियल आते थे उसमें भी कि बॉडी पानी में अदरवाइज फ्लोट होती है। तो उसके अदरवाइज फिजिक्स में मैं बिल्कुल अच्छा नहीं था, मुझे साइंस नहीं थी, मैं कॉमर्स स्टूडेंट हूँ। स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा था, डांस में अच्छा था, एक्टिंग में सही था, लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सिर्फ पास हो जाता था ठीक ठाक करके। तो आपको फिजिक्स इतना पता नहीं है? नहीं, थोड़ा बहुत पता है, न्यूटन की है मैंने, थोड़ा न्यूटन है, मैंने वहाँ बचपन में किया था थोड़ा बहुत, लेकिन हम दोनों सेम है। जो जो कैसे? आपने बोला ना,
स्पोर्ट्स ही बोलते हैं ना, स्पोर्ट्स में भी मैं अच्छी थी, इसमें भी अच्छी थी, डांस में ठीक है, कोई मुझे ऐसे बोलेगा तो मैं कर लूंगी। फिर एक्टिंग में अभी मेरे को आपके जैसी अच्छी आर्टिस्ट बनना है। और ये और क्या बोला था आपने, भूल जाती हूँ थोड़ी, एक्टिंग डांस स्पोर्ट्स, हाँ बहुत है, और क्या ज्यादा हो जाएगा ना, इतना ही बहुत है, ठीक है। चलो ये सब में मैं भी परफेक्ट हूँ, बट ये फिजिक्स पढ़ने पुढ़ने में मैं भी फेलियर थी। फेलियर थी मुझे तो एक्चुअली बहुत पहले क्लैरिटी हो गई थी मुझे ना एक्टर बनना है, तो मेरे तो क्लास में टीचर ने बोल दिया था एक बार, अकाउंट्स के टीचर थे 11th में, तो मैं मुझे मैथ्स से बिल्कुल लगाव नहीं था, 10th के बाद मैंने हाथ जोड़े कि मैथ्स खत्म, पर 11th में अकाउंट में फिर ये सब नंबर आगे जिंदगी में। तो टीचर ने एक बार बोल दिया था कि भैया तुझे क्या करना है, तुझे पढ़ना वढ़ना है, क्योंकि मैं डांस ड्रामा ये सब करता था कि ये सब करना है लाइफ में, तो मुझे क्लैरिटी थी, मैंने बोला नहीं सर मुझे ना यही सब करना है, एक्टर ही बनना है मुझे, तो मैंने कहा ठीक है आज के बाद तुझे मैं कभी कुछ नहीं कहूँगा, तू बस पास हो जाना है ना, इतनी इज्जत रख लेना, पास हो जाना, बाकी तू इसी पे ध्यान दे। थैंक्स टू हिम उसके बाद उन्होंने 2 साल मैं होमवर्क करूँ ना करूँ कभी कुछ नहीं कहा। एक होता है हीरो, एक होता है हीरो, एक होता है आर्टिस्ट, आप आर्टिस्ट हो। अरे थैंक यू शहनाज। अच्छा तो मैं आपको पूछना चाहती हूँ, देखो मैंने तो आपकी फिल्म देख ली है, मुझे तो बहुत अच्छी लगी, क्योंकि मैं आपकी कोई मूवी मिस करती नहीं हूँ, और ये कोई जोक जूक नहीं मार रही कि आप आए हुए हो, ये रियलिटी है, तो मुझे तो बड़ी अच्छी लगी। थैंक यू जनाब। तो मुझे ना ये आपको रिक्वेस्ट करके बोलना है कि आप जैसे जाते हो, आप प्रमोशन करके आ जाते हो थोड़ी बहुत, तो लोगों को टीज करके चले जाते हो कि मूवी में क्या क्या मसाला, हमें थोड़ा ना, अगर तो आप अच्छा चाहते हो तो पहले इधर पूरी मूवी 2 घंटे की सुनाओ, ठीक है, कि मैं चुप करके बैठी रहूं। 2 घंटे से ज्यादा एक्चुअली मुझे और ज्यादा टाइम लग जाएगा, क्योंकि इतना कुछ हो रहा है ना फिल्म में, और म्यूजिक मैं गा तो नहीं पाऊंगा, लेकिन म्यूजिक बहुत अच्छा है फिल्म का, उसके एक लिए गाना तो सुना दो, थोड़ा सा गुनगुना दो। अच्छा एक सिचुएशन है उसमें एक गजल टाइप गाना आता है, बड़ी मॉडर्न गजल टाइप, और वो सिचुएशन बहुत कमाल है जहां पे वो आता है, उसकी 2 लाइनें कुछ है, दिल है छोटा सा मगर ख्वाब इसके हैं बड़े, डरे 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 फर्श पे खड़े खड़े। कितना अच्छा गाते हो, तालियां मारो, कम ऑन गाइस। थैंक यू गाइस, थैंक यू। आई एम नॉट अ गुड लिसनर एट ऑल, आई एम ट्राइंग माय बेस्ट टू लिसन। आर्टिस्ट वही होता है जो कनेक्ट करता है, कनेक्ट मैं पूरा कर रही हूँ आपकी आईज के साथ। That is true, that is true. I am flirting like a hell. और मुझे बताओ कि आपकी फिल्म जो है OTT पे आ चुकी है, तो OTT और थिएटर में आपको क्या डिफरेंस लग रहा है, कुछ है? मैं शरा सच्ची बताऊं तो सिर्फ डिफरेंस जो है ना वो यही है कि फ्राइडे का जो एक कई बार एक हल्का सा जिटरी फीलिंग होता है ना कि थिएटर में बॉक्स ऑफिस पे क्या होगा, अब बस उतना ही फर्क होता है। मुझे लगता है अच्छी फिल्म बनाई है यार, उतना ही आता है हमें, उसके अलावा क्या है, हमारे हाथ में तो है नहीं, तो वही फ़र्क होता है कि वो फीलिंग नहीं आती है कि बॉक्स ऑफिस का जो प्रेशर है एक फ्राइडे का। उसके अलावा हम फिल्में जो भी काम करते हैं हम इसलिए करते हैं कि ताकि लोग देखें और हमें प्यार दें, हमारे काम को पसंद करें, तो यहाँ पे भी इसलिए बनाइए ताकि लोग देखें। नेटफ्लिक्स 192 कंट्रीज में जाता है, ग्लोबली जाता है, इतने पूरी दुनिया में लोग देखते हैं, और आजकल तो जैसे हमने बैठ के मनी हाइस्ट देखा, हमें पता है स्पेन का एक शो है, स्क्विड गेम्स कोरिया का एक शो है, पर हम सब ने देखा है इंडिया में, बहुत लोगों ने देखा है। ऐसी हमारी उम्मीद यही है कि ये जो फिल्म है ये बहुत ही ग्लोबल फिल्म है, ये अपनी फिल्म तो है ही, इंडियन तो है ही, हिंदुस्तानी है ही, लेकिन इसको बाहर के लोग भी देखेंगे क्योंकि बहुत मज़ेदार है। Exactly. ये जो जॉनरा है ना डार्क कॉमेडी, ये बहुत लोगों को पसंद आता है वर्ल्ड वाइड, तो हम यही चाहते हैं कि ग्लोबली चले हमारी फिल्म, कि 192 कंट्रीज में हमारे इंडिया का नाम किया। इंडिया की तुमने वो फिल्म देखी, जैसे आज हम कोरिया को जानते हैं कि स्क्विड गेम बनाया, इतने सारे अच्छे शोज बना रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि हमारी कंट्री का नाम भी हो कि यार इंडियन एक फिल्म आई है मोनिका और माय डार्लिंग, बहुत अच्छी है, देखो जरूर। मैंने देखी है ना, आई ट्रस्ट यू, ये यूनिवर्स है, देखना आपकी फिल्म सुपर हिट है। और मुझे एक चीज और पूछनी है, आप आर्टिस्ट हो ठीक है, तो एज एन आर्टिस्ट मैं आपको पूछना चाहती हूँ कि लोग अभी बहुत स्मार्ट हो गया है, कोई सिनेमा देखता है, कुछ भी देखता है, तो उनको पता चलता है बंदा कैसी परफॉर्मेंस कर रहा है, कैसे एक्ट कर रहा है, लोगों को क्या एडवाइस देना चाहते हो कि एज एन आर्टिस्ट, गुड आर्टिस्ट बनने के लिए क्या करना चाहिए? मुझे बहुत सारे लोग मिलते हैं और मैसेजेस भी करते हैं कि हमें एक्टिंग में आना है, हम क्या करें, तो मैं हर बार यही कहता हूँ कि देखो यार, स्पेशली नाउ, अभी वक्त जो है बहुत बदल गया है, जो लोग देख रहे हैं, अगर आप में से कोई ऐसा है जो एक्टर बनना चाहता है या काम ढूंढ रहा है या बॉम्बे में काम ढूंढ रहे हैं इस वक्त, हो सकता है कि अभी शायद आपके पास काम ना हो, लेकिन आपके पास टाइम है, तो उस टाइम का प्लीज़ पूरा पूरा फ़ायदा उठाइए। शुरू में आते काम नहीं मिलता है, 2 साल हम भी भटक रहे थे, काम ढूंढ रहे थे, लेकिन जो जिस चीज़ ने मुझे हमेशा इंस्पायर रखा वो ये था कि हम 3-4 लोग मिलके ना डेली कुछ करते थे, और वो ग्रोथ है।
वो डेली आप जितना रियाज करोगे संगीत में ऐसी एक्टिंग में जितना रियाज करोगे उतना वो बेटर होता जाएगा, वो ग्रोथ होती रहेगी। और एज एन आर्टिस्ट आपने ऑडिशंस भी दिए हैं क्या? बहुत ऑडिशंस दिए हैं, बहुत बार ऐसा नॉट फिट कह के ऐसे निकाला गया है, बहुत बार ऑडिशन लिया भी नहीं गया है कि नहीं यार ये तो लीड पार्ट के लिए आप ठीक नहीं हो, आप ना ये हीरो के दोस्त का ऑडिशन दे दो या फिर ये छोटा कैरेक्टर है इसका ऑडिशन दे दो। पर मुझे था कि कोई बात नहीं यार, मैं कोई ना कोई और होगा जो बोलेगा कि एक अच्छा ऑडिशन है ये दे दो, लेकिन मैं लगा हुआ था क्योंकि मेरा कभी भी लाइफ में प्लान भी था ही नहीं। अच्छा। मैंने 9th-10th में डिसाइड कर लिया था यही करना है लाइफ में, कि मुझे यार बहुत मोहब्बत है फिल्मों से, सिनेमा से बहुत प्यार करता हूँ। एक गेम खेलूं, एक मिनट, एक चूज कर। ओए होए प्रेशर। गाइस क्या हुआ है? कांग्रेचुलेशंस गाइस, क्लैप। ओके थैंक यू सो मच। पर हुआ क्या, मैंने डाला था आपकी मूवी हिट होगी, तो आपने पकड़ा आपकी मूवी हिट हो जाएगी, बट इसमें भी मैंने सेम डाला था। क्यों? क्योंकि इधर ना कुछ नेगेटिव नहीं करना, पॉजिटिव करना, देखना आपकी मूवी हिट हो जाएगी। थैंक यू शहनाज। अच्छा एक और गेम। ओह ओके, ये ओके, ये तो पक्का अगर आपने कर दिया ना, क्या बात, प्रेशर मत दो यार, इसमें आप फंसोगे। ओह शिट, प्रेशर, सच्ची फंसोगे, देख लेना। गाइस वेट एंड वॉच, इट्स वेरी डिफिकल्ट। मैंने डाला था राधिका आप्टे या फिर हुमा कुरैशी, आपने हुमा कुरैशी पकड़ ली। पर किस चीज के लिए? अच्छी एक्टर, बेटर एक्टर। नहीं यार दोनों बहुत अच्छी। तो मैंने तो डाला आपके दिल से निकालना था। पर पता है क्या, मैं एक्चुअली फर्स्ट थॉट मुझे क्या आया था कि मैं दोनों पकड़ लूं, आई स्वेयर मैंने किया नहीं। अब ना आप मुझे पंजाबी में बात करो ना, मुझे आती है पंजाबी। पंजाबी च की गल करा थोड़े ना, पंजाबी च तुसी ना अपनी पंजाबी च प्रमोशन करो फिल्म की, देखना पंजाबी च। हां पंजाबी लोग भी देखने जाएंगे जी। ओके ओके, सत श्री अकाल दोस्तों, साड़ी फिल्म आ रही है मोनिका माय डार्लिंग, रिलीज हो चुकी है, तो आप सभी देखना जी, और सारे देखना और हम सब नु दुआवा देना, दुआवा देना, प्यार देना, बेड ते जाओ, लिविंग रूम ते जाओ, जहां जाना जाओ। हां आईपैड लेके अपने कमोड दे विच बैठ के देखो, सानू की सानू फिल्म देखो की। ते पासवर्ड भी दस दो अपना। पासवर्ड तो जी है, पासवर्ड तो भी बता सकते हैं यार। क्यों आप, एक मिनट, आपका पासवर्ड मुझे भी बता दो, आपकी गर्लफ्रेंड के नाम से या अपनी वाइफ के नाम से रखा हुआ है? तो मैं यूजर आईडी और पासवर्ड बता देता हूं। हां जी मेरा यूजर आईडी है बिग फैन ऑफ शहनाज गिल अंडरस्कोर ट्रू स्टोरी, और पासवर्ड है विल ऑलवेज बी। यार आप बहुत सुंदर लग रहे थे दोनों एयरपोर्ट की, अभी रिसेंटली मैंने वो देखी है आपकी वॉक जिसमें आपसे पूछा गया है आलिया भट्ट, और तो आप कब बेबी कर रहे हो? मैं कब बेबी कर रहा हूँ? ये तो मेरे घर वाले भी नहीं पूछते। सोचा नहीं अभी शहनाज, ऑनेस्टली लगता है मैं तो खुद ही अभी बच्चा हूँ, छोटा यार, अभी क्या बच्चा करूँगा। ओके कोई बात नहीं, इट्स ओके, जब मन करेगा कर लेना और मेरे से गुड़ती ले लेना, स्पोंटेनियस हो जाएगा आपका बेटा और बेटी। ओए तो आप मेरे बच्चे का गुड़ती करोगे? पक्का करूंगी, मेरी बेटी है तो मैं चाहता हूँ आप जैसी एकदम यार, बिंदा स्वीट, सिंपल, सुंदर, टैलेंटेड। ठीक है। अरे गाइस ये जिटर तो नहीं ना कर रहा ये वाला? बहुत देर नहीं हो गया ये सवाल पूछने के लिए? काफी नहीं, ये बिंदिया काफी देर बाद याद नहीं है हमें। अब हमारा राउंड है छेती दसो राउंड। यस, ऐसे मैंने इसलिए पकड़ा, मेरा नाम आ जाए ना अच्छी तरह। तो छेती दसो राउंड का पता है ना पंजाबी है, जल्दी से बताना एकदम। अब बताओ आप दो ऐसे कन्फेशन है जो आप लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। दो कन्फेशन, छेती दसना है, शिट, मुझे मेडिटेट करना बहुत अच्छा लगता है। और दूसरा मैं ताइक्वांडो मार्शल आर्ट्स का नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, ये बात बहुत कम लोगों को पता है। वाओ गुड। एक एक्टर जिसके साथ आप काम करने के लिए मरे ही जा रहे हो। शहनाज गिल यार। ओए ओए ओए, ये तो मुझे पता था। नहीं सच्ची में मुझे लगता है कि आप ना आप में बात है, आपको पता नहीं है, बहुत अच्छी बात है आप। क्या बात है? नहीं बहुत यूनिक हो आप, आई थिंक आपको कोई सही डायरेक्टर जब यूज करेगा ना तो बहुत अच्छा करोगे आप, क्योंकि आपका दिल बहुत प्योर है। दिल तो प्योर है, मेरी एक्टिंग भी प्योर हो रही है। एक्टिंग भी प्योर हो रही है, करेक्ट। दिल तो प्योर, क्या एक्टिंग में क्या चाहिए? ऑनेस्टी चाहिए, ऑनेस्टी चाहिए, वो है मेरे में। स्पॉन्टेनियस क्या होता है, वो चाहिए, गुड लिसनिंग, वो मैं काम कर रही हूँ। ठीक है, जैसे आपको भी तो सुन ही रही हूँ ना अपना दिल मार के, करेक्ट, एक घंटे से वो। तो एक चीज और होती है कनेक्ट,
connect. वो भी मैं कर लेती हूँ. Correct. एक चीज रहेगी कौन सी? कौन सी? एक्टिंग, जिसमें एक्टिंग नहीं करनी होती. ओह, ये पता है आपको. एक्टर को कभी एक्टिंग करनी नहीं चाहिए. Not acting is good acting. Yes. तो वो भी मुझे पता है. अच्छा, आप एक तो इन्होंने लिखा है ये मेरी स्क्रिप्ट नहीं है, ठीक है? अच्छा, आप एक्टर नहीं होते तो कौन सा प्रोफेशन सोचा था कि और क्या करते? कुछ नहीं सोचा था. मैंने बताया ना, मैं 9-10 से डिसाइड हो गया था यही करना है. मान लो. अच्छा, से मान लो एकदम, या तो मैं ऐसे आर्मी में होता या फिर ऐसे कुछ इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी ऐसा कुछ होता. आप इन्वेस्टिगेट कर लेते हो? मुझे बहुत अच्छा लगता है. एनालाइज कर लेते हो? हाँ. वाओ, मैं मेरे को आपने अच्छा एनालाइज किया. 10 out of 10. थैंक यू. पहली बार तो आई 10 out of 10 किसी पढ़ाई में. नहीं, एनालाइज, जो बंदा एनालाइज, आप मेडिटेट करते हो ना, तो आपकी मुझे लगता है कोई तो चक्र एक्टिवेट हो गया है. हो गया? कोई तो चक्र हो गया. कौन सा हो गया पता नहीं. कोई तो हो गया. ओके, अगर आपको शहनाज गिल को 3 शब्दों में बयान करना होता तो कैसे करते? और अब राजकुमार राव को आधे शब्द में बयान करो. मेरे को 3 में और आप 3 में. अपने आप को आधे में? आधे में. हाँ, पहले आपको करता हूँ मैं 3 उसमें. दिल से सोच के मेडिटेशन करो थोड़ी सी ना, उसके बाद आंखें बंद करके बोलना थोड़ा. मेरा जो चक्र एक्टिवेट हुआ है क्या, क्रिएटिविटी वाला, उस पे ध्यान देता हूँ मैं. क्रिएटिविटी वाले चक्र पे. शहनाज गिल 3 शब्दों में. वेरी प्योर. नहीं, इसकी जरूरत नहीं. नहीं, थोड़ा फीलिंग दे रही हूँ राजकुमार वाली. टैलेंटेड. टैलेंटेड भी हूँ. इनोसेंट. समझ आ रही है? सुन लो. और आधे शब्द में खुद को. अच्छा, खुद को आधे शब्द में. अर आर्टिस्ट. आर्टिस्ट. आर्ट. आर्टिस्ट. हीरो हीरोइन तो सब बन जाते हैं, आर्टिस्ट कोई कोई होता है. थैंक यू शहनाज. तो अभी ना मुझे लगता है आपके साथ बड़ा मजा आया. एक और राउंड है हमारा. Okay. वो है खाओ पियो एंड ऐश करो. खाओ पियो ऐश करो. हाँ, तो ये खाओ पियो एंड ऐश करो, तो आप जाओ. मतलब जाओ, खाओगे पियोगे ऐश करोगे तो इंटरव्यू थोड़ी करेंगे. वो तो अभी खाओ पियो और अपने लोगों के साथ ऐश करो. ऐश करो मतलब इंटरव्यू हो गया. हाँ. ओह नाइस. अच्छा, अभी ना हम चाहते हैं कि देखो, जैसे हमारा शो पॉजिटिव वाइब वाला है. Correct. तो जैसे आपने शुरुआत की अच्छे से, वो वैसे ही आपको एंड भी करना होगा. मैं जा रही हूँ अपना मेरे को आगे. मैं एंड करूँ? मेरे को आगे भी काम है ना. आप तो वेल्ले हो. तो मैं जा रही हूँ. तो आप मेरा शो ना, तो आप मुझे चाबी दे जाओ, मैं सब कुछ साफ वाफ करके पोछा वोछा लगा के सब कमरा लॉक करके मैं चाबी पहुंचा दूंगा घर पे. मैं. यू कैन. नहीं, चाबी रख लो. चाबी रख लो, सुबह आके खोलना भी पड़ेगा. यू कैन. अच्छा, तो मैं आप पे. अच्छा, हमारा बस चले ना. आया, लग गया हूं मैं यहां पे. हां, हमारा बस चले ना, आपको परमानेंट रखें और हम रोज आपकी ही इंटरव्यू करें क्योंकि फेवरेट हो ना. ओके, थैंक यू सो मच. थैंक यू शहनाज, आप मेरे शो पे बहुत अच्छा लगा. थैंक यू सो मच. हाय रब्बा, थैंक यू सो मच. थैंक यू. बाय बाय. तो गाइस, ये थी मेरी पहली गेस्ट शहनाज गिल. देसी वाइब्स विद राजकुमार राव, AKA शहनाज गिल. पर बहुत कमाल की लड़की है यार ये. इतना मज़ा आया ना, मैं इसको पता नहीं, पर मैं एक्चुअली इसका फ़ैन हूँ. मुझे बहुत अच्छी लगती है, बहुत कमाल की एनर्जी है इनकी. और एनर्जी जो है ना, ऐसी वाली है, मतलब इन्फेक्शियस है कि आपको भी लगता है कि सब अच्छा है यार, लाइफ में सब अच्छा हो जाएगा, कोई स्ट्रेस नहीं है. और ये बहुत, आई थिंक ये ऊपर वाले भी मेयर है. ये गिफ्ट मिलता है हर किसी को, नहीं है जो इनके पास है. और टैलेंट की तो भरपूर दुकान ही है. तो आपको ये शो कैसा लगा, ये सब बोलना है क्या? शहनाज कहाँ गई? हाँ, ये थैंक यू यार, थैंक यू सो मच. तो आप जा सकते हो. जाऊँ मैं? होगी मेरी छुट्टी. जाओ. थैंक यू गाइज, बहुत मजा आया. चैनल का मैं खुद से बताऊंगी, उनको रहने दो. ठेका लिया हुआ है क्या उन्होंने तुम्हारा? चैनल भी बताओ, ये भी करो, वो भी करो. ये रोल कर रहे हैं हम लोग, तो कर ही जाओ. ये ज्यादा अच्छा ही दिखाना प्लीज यार. नहीं यार, इतना तंग नहीं करना चाहिए ना आर्टिस्ट को. अगर कोई आया तो रिस्पेक्ट दो थोड़ी बहुत ही. तो सब बिकवा दिया. कुछ खाओगे? नहीं, मैं कुछ नहीं खाऊंगा. सच्ची, थोड़ा सा तो कुछ खा लो हमारे शो में. वैसे ना ही बोलना. नहीं नहीं यार, थैंक यू सो मच, मैं खा के आया हूं. ठीक है, थैंक यू. थैंक यू गाइस. थैंक यू. हाय गाइस, दिस इज शहनाज गिल. सो जल्दी से ना
अगर नहीं किया अभी तक जल्दी से मेरा शहनाज गिल चैनल को कर लो सब्सक्राइब, क्योंकि हम आ रहे हैं देसी वाइब्स विद शहनाज गिल लेकर, आपको बहुत सारा मजा आने वाला है, देख ही चलो। सब्सक्राइब नाउ गाइज, सब्सक्राइब प्लीज 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 प्लीज, लव यू।